अस्सलाम वालेकुम संगियो दोस्तों, निके बड़े पे आला जी ठीक है हैबियत है। मैं उस्मान लश्कर, तुझ देख रहे अपना फैमिली फेसबुक यूट्यूब चैनल पलंदरी पॉइंट आई अस मौजूद यहाँ गोई नाला। इतने सुबह सुबह एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा होया। पोस्टर जी तकरीबन 4:30 बजे निकलनी रावलाकोट तो सुबह रावलपिंडी आस्तै वह निकली सी। इस मुकाम उपर मेरे अक्कर बिच तुम देखी सकने कि जी पिछले वक्त पोस्टर बदनसीब पोस्टर भी जी हादसे में शिकार हुई। और पहली इतला ने मुताबिक कि 4 लोग जड़े थे फोत हो गए, इस हादसे में शहीद हो गए। और हादसा इतना दर्दनाक सा कि गड्डी की तुम हालत तो अंदाजा ले सकने कि वीक जो सवार से उन्होंने क्या पोजिशन ली। इतने जो लोग असा के मिले असि दसने कि वो पिछे जरा देखी सकते हैं कि उपर एक मोड़ इस मोड़े चा गड्डी ब्रेक फेल हुई और एक छोटा बच्चा निशा जरा इतने बचा। वो दसना कि ड्राइवर असं उतना दसी छुड़ा कि सारी गड्डी में कोई फॉल्ट आया थी। उतों गड्डी उस जगह से इसकी ब्रेक फेल हुई है, रुकी है इतने तक आई और इस जगह रखी चली गई इतने लगी तक जो तो कोई बंद से बुन टाइप पे यानी एक बहुत बड़ी खाई थी। तुम देखी सकते हैं कि यह वो जगह थी जिसे अभी तक ये कोस्टर जो पुल था इस पुल इतने के लगी और लगने तो बाद कुछ दो बंद जड़े थे वो बुन लच्छी लगे जी जी जगह थी यानी सब गुईना लगना और यह वो जगह थी जिते त्रै बंद थी लगे थे। यह गड्डी की पोजिशन इस वक्त यह दी कि तुम देखी सकते हैं गड्डी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गई और कीमती जाना उसमें 2-4 बल्कि वो भी नहीं है जी। और इस गड्डी की पोजिशन से तुम देखी सकते हैं इसके उधर भी दसने कि इस पोजिशन गड्डी की जी हालत थी यह दस सकनी कि हादसा कितना जो दर्दनाक हुआ कितना बड़ा हादसा था। और देखी सकते पूरी पोजिशन जी थी कि अगे तो उन्होंने खैर कपड़ा शपड़ा मारी छोड़ा तरपाल लगा ना देखो कि सीटा शीटा और बाकी मामला ड्राइवर से दसने के जो ड्राइवर सा उसकी टायर टायर था इधर लगा और उसकी कट्टी टायर शायर और बॉडी कट्टी जो कड़े आए ने। और इतना लंबे समय इतने रेस्क्यू 1122 जरा था रावलाकोट और रेस्क्यू 1122 पलंदरी दी टीम फिलफोर हादसे पर पहुंची और उन्होंने लोगों ने इतने रेस्क्यू किया। और उस तो बाद जो जख्मी हजरात से उन्होंने CMH रावलाकोट शिफ्ट किया इन्हें और कई की पिंडी रैफर किया गया। और अल्लाह पाक की दुआई के हर जरा मुसाफिर था उसकी इस तरह हादसे को महफूज रखे। बस जिंदगी इस चीज़ में ना इंसान जिसका भी सवारी रहना होता है वो बहुत नमूए जाना तो अपनी एक जिंदगी है सड़ी रामलापुर जरा था उसके साथ बहुत बड़ा हादसा था। और हमारी हम ड्राइवर अजलासों की वो बड़ी वीडियो देखनी कि यह रकम नुकसान जरा था तुम थोड़ी एहतियात करो जी ओवर स्पीड ही ओवर लोडिंग इस चीज़ का थोड़ा इज्तनाब करें और थके के देख जाए ड्राइवर है ना उस जिम्मे बगैर जो होस्टल की या ट्यूटर का भी 25 लोग उस जिम्मे चने बगैर उस सफ़र करने जो हादसा भी जरा था तेज रफ्तारी में बाइस के गया उतराई दी रावलाकोट थी कि नहीं इतने इस गोई नाला पुल तक तमाम उतराई दी इस उतराई बिच जरा था गड्डी की स्पीड वैसे ही ज़्यादा आनी और जो उसकी कंट्रोल गड्डी पर उस टाइम नहीं आना तो इसकी थोड़ा ध्यान से चलाए अगर वो लोग देखी सकते हैं कि इतने इसलिए काफ़ी लोग प्रॉब्लम हो चुके हैं वो जगह दी तुम देखी सकने अस इतने मौजूद हैं। कोशिश कर सकते जो जी तनाजी जिस तरह तुम सारी एक विजिट कराया दसा कि किस तरह मतलब कितनी ऊंचाई थी जितने लोग अच्छी दो लोग थले नाले च भी गए और इस गड्डी नहीं क्या पोजिशन है इसलिए और दसने जो एनी शायद आ वो इस चीज़ दसना कि जी ए जगह जितु हम गड्डी इस ट्रैक इतों जिस कोस्टल लेंथ थी तो इसने यह दो टायर सी यानी स्पीड इतनी एक सी दो टायर सी और यकदम में अच्छी लोग लगी थे फिर बात सर और मैं
17 18 ਆਦਮੀ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉਹ ਫੋਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸ ਉਸਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਾਈ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਈ ਗਲੇ ਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਵਾ ਸਵਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਵਾ ਚਾਰ ਹੀ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ 5:50 ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਜਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਆਮੀ ਸੁਮਾ ਆਮੀ।